शहरपुर के सरकारी अस्पताल में जमकर हुआ हंगामा। अधीक्षक ने हाथ पकड़कर खींचा, पुलिस की मौजूदगी में कर्मचारियों ने पीटा। तस्वीरें स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हैं। दोपहर का समय था, अस्पताल पूरा खचाखच भरा हुआ था। सभी डॉक्टर शांतिपूर्ण ढंग से अपना काम कर रहे थे, मरीजों को देख रहे थे। सड़क हादसे में घायल मरीज अचानक अस्पताल पहुंचे, जिसमें इलाज के दौरान एक मरीज की मौत हो गई। वहीं घायलों के साथ मौजूद एक शख्स ने पट्टी बांधने के लिए वहां पर मौजूद कर्मचारी से कहा। अस्पताल में भीड़ थी, सभी डॉक्टर कर्मचारी बिजी थे। अस्पताल के अंदर कई मरीज सीरियस भी थे, जिनका डॉक्टर इलाज कर रहे थे। मरीज के साथ मौजूद ईमानदार, जिसका नाम अरुण निवासी ग्राम सिमरिया बताया जा रहा है, जिसके द्वारा डॉक्टरों को गंदी गंदी गालियां दी जाने लगी। गाली सुनकर सभी डॉक्टर अपने अपने मरीज छोड़कर बाहर निकल आए। अस्पताल में पुलिस की मौजूदगी थी, इतना ही नहीं क्राइम इंस्पेक्टर भी मौजूद थे। मामले को शांत करने की कोशिश कर रहे थे और जो शख्स गाली दे रहा था उसको बाहर ले जाया जा रहा था। तभी अधीक्षक ने उसका हाथ पकड़ लिया और खींच लिया। वहां पर मौजूद कर्मचारियों ने उसकी पिटाई कर दी, जिसका वीडियो भी सामने आया है। वहां पर मौजूद पुलिस ने मामले को शांत कराया, डॉक्टर ने अपना अपना काम बंद कर दिया। इसके बाद मामला शांत हुआ, मरीजों की हालत सीरियस देख डॉक्टर पुनः सुचारू रूप से काम करने लगे। अगली बार व्यक्ति को पुलिस अपने साथ लेकर चली गई। दरअसल पूरे विवाद की जड़ घायल व्यक्ति की मौत के बाद से शुरू हुई। जिस व्यक्ति के द्वारा अस्पताल में गाली गलौज की गई, वह व्यक्ति मृतक का रिलेटिव है, ऐसा बताया जा रहा है।